मॉर्निंग क्लास टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग उन पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते थे जिनको हम लोग नेक आई से नहीं देख सकते। अब वो चीजें भी जिनको माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाया उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया गया। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेसिकली इसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव। और जो सेकंड होता है उसको बोला जाता है आई पीस या फिर आई लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ एज कम्पेयर टू आई पीस या फिर आई लेंस क्या होती है, स्मॉल रखी जाती है। इसका अपर्चर भी जो आई पीस है उसके कंपेरिजन में कम रखा जाएगा। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा, कम से कम 1000 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऐसे ऐसी जगह जहां पर माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर पाते हम लोग, वहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके अंदर जो लेंसेज यूज किए गए हैं, लोगों ने दो लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, दूसरा कौन सा होगा, आई पीस होगा। अब मेन जो है इसके अंदर इकॉन से प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है। प्रिंसिपल क्या रहेगा कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस F1 और किसी 2F1 के बीच में रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएगा और जो इमेज बनेगी वो इमेज इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, रियल होगी। और वही इमेज जो सेकंड लेंस है हमारा, यानी कि जो हमारा आई पीस है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ध्यान से देखो, यहां पर हम लोगों ने ए बी ऑब्जेक्ट लिया था तो ए बी ऑब्जेक्ट को पहले लेंस में ए डैश बी डैश जो इमेज बनाई है, ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए ए डैश बी डैश क्या है, एक इमेज है। लेकिन जो दूसरा हमारा लेंस है उस लेंस के लिए ए डैश बी डैश एक टाइप से ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और जो इमेज बनेगी पहले लेंस से, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा वो इमेज आई लेंस के जो फोकल है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, यानी कि जो उसका फोकस है, फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं बनेगी। तो केस हमारा यहां से एक और बन जाता है कि जब भी कोई भी इमेज कहां पर बनती है, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ किसी भी लेंस के फोकस और उसके जो सेंटर है उसके बीच में बनती है, तो वो लेंस उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है। और वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट होती है। तो लास्ट में हमको इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलेगी। मेन दोबारा से देख लो इसके अंदर क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग उन जगहों के ऊपर करेंगे जहां पर हमारा माइक्रोस्कोप फेल हो गया था। यानी कि हमको बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो हम लोग इसका यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। प्रिंसिपल क्या रहेगा इसके अंदर, वही प्रिंसिपल रहेगा इसके अंदर कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और यानी कि F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो उसकी एक इमेज बनती है। वो इमेज कहां पर बनती है, वो इमेज बनेगी कहां बन रही है, वो इमेज कैसी बन रही है, वो इमेज इन्वर्टेड और रियल बन रही है। और जहां पर वो इमेज बनेगी वो जगह कौन सी होगी, वो जगह जो हमारा आई पीस है उसका फोकल, उसकी जो फोकल है, उसकी जो फोकस है और उसका जो सेंटर है उनके बीच में बनेगी। ऐसा करने से क्या होगा कि हमको लास्ट में जो इमेज दिखाई देगी वो इमेज कैसी होगी, वो इमेज वर्चुअल होगी, साइज के अंदर बहुत ज्यादा मैग्निफाइड होगी और इरेक्ट होगी। कैसी होगी, इरेक्ट। नेक्स्ट हम लोग जो इसके अंदर मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इसकी मैग्निफाइंग पावर। मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफाइंग पावर। अब जो मैग्निफाइंग पावर है, मैग्निफाइंग पावर को निकालने के लिए हमको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। देखिए मैग्निफिकेशन होती है, मैग्निफाइंग पावर लगा दो इसको या फिर इसको इसकी मैग्निफिकेशन लगा दो।
इनको निकालने के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज ऑन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इस फार्मूले से भी हम लोग इसी मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। सेकेंड फार्मूला हो सकता है एंगल सबस्टेंडेड बाई इमेज ऑन एंगल सबस्टेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। थर्ड फार्मूला हो सकता है डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी फॉर्मूले से हम लोग इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं वो एंगल का यूज करके निकालते हैं। अब एंगल का यदि यूज करना हम लोगों ने तो एंगल हमको इसके अंदर ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग एंगल ढूंढते हैं एंगल फॉर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल बनेगी, नियर बाई जो ऑब्जेक्ट के लिए एंगल बन सकती है वो यहाँ से बन सकती है, ये जगह हम लोग के लिए यहाँ से, तो हमको ये यहाँ पर एंगल मिल जाएगी, हमको इसका नाम रख देते हैं लोग अल्फा। लेकिन जब इसको हम लोग अल्फा रखते हैं तो हमको जो हमारा इमेज की हाइट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को नाम देते हैं ए ट्रिपल डैश, ठीक है, और एंगल फॉर द इमेज ये हमारे यहाँ पर क्या है भाई बीटा। तो अल्फा और बीटा हमको एंगल मिल गए हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं डायरेक्टली हमारे पास आंसर ही आ गया, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको हाइट ऑफ इमेज का पता है। यदि हम लोग एंगल का यूज नहीं कर रहे हैं कि ए डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का पता हम क्या है ए बी है, ओके। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा और फर्दर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको आगे करते हैं कि हमारे पास m बराबर आ था किस चीज के, इमेज के लिए एंगल हम लोगों ने बनाई बीटा और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने एंगल बनाई कौन सी अल्फा। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमको बीटा और अल्फा चाहिए। बीटा और अल्फा निकालने के लिए हम लोग बीटा बीटा एंगल फॉर इमेज है और अल्फा एंगल फॉर क्या है ऑब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग अब tan बीटा और tan अल्फा निकालते हैं, इसके बराबर होगा हमारा। तो हमारा tan बीटा किसके बराबर बनता है tan बीटा। देखो tan बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारी एंगल लेते हैं, ट्रायंगल बनेगी हमारी कौन से वाली बीटा है किसके, रहा ये रहा ए डैश ए डबल ए डैश बी ए डबल डैश बी डबल डैश और इसको हम लोग मान लेते हैं ओ मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं इसको ओ डैश मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग निकालते हैं हमारे पास टेंजेंट बीटा किसके बराबर आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश कोण में ये डिस्टेंस डी है तो यहाँ पर भी बन जाएगी डी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट टेन निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसके अंदर कौन सा काम कर रहा है ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश और बेस कौन सा काम कर रहा है इसके अंदर बी डबल डैश ओ डैश और बी डबल डैश ओ डैश किसके बराबर है डी के बराबर है। तो हमारे पास ये आ गई है फर्स्ट। सेकंड हम लोग टेन अल्फा निकालते हैं तो टेन अल्फा निकालने के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल होगी कौन सी होगी वाली ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल होगी ये वाली ओ डैश, ठीक है ओ डैश ओ और इसको भी नाम लेते हैं कोई ना कोई एक्स वाई जेड जो कुछ भी लोगों ने इसको नाम लेना है वो नाम ले जाए। तो इसका यूज करते हुए हम लोग टेन अल्फा निकालते हैं तो टेंजेंट अल्फा हमारा इसके बराबर है, सॉरी ये वही ही बनते हैं लेकिन वो ट्रायंगल ओ डैश
बी डबल डैश ए ट्रिपल डैश। अब इसके लिए यूज कर रहा हूँ ट्रायंगल ओ डैश बी डबल डैश और ए डबल डैश, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जब यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश अपॉन में डी। ये हमारी हमारे पास इक्वेशन नंबर टू, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई इक्वेशन नंबर टू आई है। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम देखो टेन ले रहे हैं लोग, तो टेन इज वेरी स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल एंगल है, तो इसको हम लोग कंपेयर देखो। हाँ, अब ये जो हमारे पास आया ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश, ये हम लोग नियर बाय अबाउट इक्वल मान सकते हैं किस चीज के, ए और बी अप्रोक्सीमेट इक्वल किस चीज के है, ए बी के। तो कुछ कर देते हैं टेन अल्फा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी के बराबर आ जाएगा, हमारी क्वेश्चन नंबर थ्री बन जाएगी। अब हम लोग फार्मूला को यूज करते हैं, ये वाला एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो जैसे ही हम इस फार्मूले का यूज करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू बीटा बीटा, ये वाली पुट करते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में डी अपॉन में ए बी अपॉन डी करते हैं, तो एम इज इक्वल टू ए डबल डैश अपॉन डी इनटू में डी अपॉन में ए बी, डी से डी कर गया हमारा। तो हमारे पास लास्ट में क्या आंसर आ गया हमारा, मैग्निफिकेशन एम इसके बराबर आ जाएगी हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म में ए बी। अब ध्यान से देखो ये फार्मूला हम लोगों ने एंगल का यूज करके भी हम लोगों ने ये बनाया है, वैसे भी हम लोग यूज कर सकते थे ए डबल डैश बी डबल डैश। क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज है, ए बी क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली हम लोग इसका यूज करते हैं, ऐसे इसको निकाल सकते थे। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फोर के अंदर हम क्या करते हैं, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डैश बी डैश से इसको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। तो एम किसके बराबर आ जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म में ए बी इनटू में ए डैश बी डैश फॉर्म ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये भी हाइट ऑफ इमेज है, लेकिन जो हमारा आई लेंस है जो हमारा आई भी उसके लिए भी काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से जो टोटल मैग्निफिकेशन आई वो किसके बराबर आई, ये क्या है, ये किसके लिए हमारा मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस यानी कि आई पीस इनटू में, ये किसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, जिसको क्या लिखते हैं लोग एम ओ लिखते हैं। तो हमारे पास टोटल जो मैग्निफिकेशन आई है वो किसके बराबर आई है, एम इज इक्वल टू एम ई इनटू में एम ओ, ठीक है। यानी कि एम ई जो है वो मैग्नीफाइंग पावर किस चीज के लिए, आई पीस के लिए, और जो एम ओ है वो मैग्नीफाइंग पावर किस चीज के लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए टोटल मैग्निफिकेशन आई। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे करते हैं, आगे करते हैं इसको